हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूनिट फर्स्ट टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के लेक्चर भी देख लेना, और सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया हूँ नोट्स का। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन है तो वहाँ पर ज्वाइन होकर के वहाँ से नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड में। आज हम लोग माइक्रो इनकैप्सुलेशन टोटल पढ़ के कंप्लीट कर देंगे यहाँ तक, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनका डिफिनीशन क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, माइक्रो स्फीयर क्या होता है, माइक्रो कैप्सूल क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल क्या होते हैं, इनके माइक्रो इनकैप्सुलेशन के मेथड क्या होते हैं और इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नए-नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको होम पेज पे ही मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे माइक्रो इनकैप्सुलेशन। थोड़ा सा समझने की यहीं पे कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पहले आप लोग इसको तोड़ लीजिए, तब आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि क्या होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो चलिए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। इसको एक पार्ट हो गया माइक्रो, ठीक, एक हो गया हमारा माइक्रो और एक हमारा हो गया इन, और लास्ट में हमारा क्या बचा, कैप्सुलेशन। अब देखिए यहां पे इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब निकल रहा है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का। माइक्रो का मतलब समझिए कि हो गया स्मॉल ड्रग, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, मैक्रो मीन्स ज्यादा, माइक्रो मीन्स एकदम कम, ठीक। तो माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल ड्रग, या फिर इसको बोल सकते हैं आप लोग टीनी पार्टिकल्स, ठीक, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं ड्रॉप लेट्स, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रो का मतलब इतने सब मतलब होते हैं, कम ड्रग कहिए, स्मॉल ड्रग कहिए, या फिर टीनी पार्टिकल्स कहिए, या फिर ड्रॉपलेट मतलब छोटा सा, थोड़ा सा बूंद हो गया, ड्रॉप से जो गिराया जाता है, ठीक। इन का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर इन, ठीक। अब कैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हुआ, इसको पैक करेंगे इन स्मॉल कैप्सूल। कैप्सुलेशन का मतलब हो गया इसको पैकिंग किया जाएगा स्मॉल कैप्सूल में। अब इतने में आप लोग को कुछ बातें समझ में आ रहा है कि नहीं, यहीं पे आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, टोटल चैप्टर आसान हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए ये ड्रग है, ठीक, थोड़ा सा ड्रग है, या फिर ये मान लीजिए पाउडर फॉर्म में, ये इतना थोड़ा सा एकदम ड्रग है। अब इसको हम ऊपर से पॉलीमर की कोटिंग, या फिर इसका जो होता है छोटा छोटा कैप्सूल नहीं होता है, उसमें ऐसे करके इसको क्या कर देंगे, इसको पैक कर देंगे छोटे से कैप्सूल में। इस स्मॉल ड्रग टिनी पार्टिकल्स या फिर ड्रॉपलेट कहिए, इसके चारों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, चारों तरफ हम लोग कोटिंग कर देंगे, पॉलीमर की कोटिंग कर देंगे, कैप्सूल की तरह ऐसे बना देंगे। तो ये हमारा जो होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है। इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहेंगे तो सिंपली इसको लिख सकते हैं कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस इन विच टिनी पार्टिकल्स कहिए या फिर ड्रॉपलेट कहिए या फिर स्मॉल ड्रग कहिए, जिसके चारों तरफ, ठीक, सराउंडेड बाय कोटिंग टू गिव ए स्मॉल कैप्सूल, ठीक। अभी बताएंगे किस तरीके से लिखना है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप लोग को अनुमान लगाना है कि ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन किस लिए बनाया गया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन छोटा सा कैप्सूल क्यों बनाया गया। जैसे मान लीजिए अगर इसको माइक्रो इनकैप्सुलेशन कैप्सूल में नहीं, इसको कोटिंग नहीं किया गया, ये थोड़ा सा इतना बहुत थोड़ा सा ये पाउडर कट रह गया। अब यहां पर कोई पेशेंट है, ठीक, यहाँ पर कोई पेशेंट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बना करके समझा दे रहा हूँ आप लोग को। मान लीजिए ये पेशेंट है, ठीक, अब इसने इसको खाया, अब इसको खाया तो इसके मुंह में ही पूरा का पूरा फैल जाएगा, धीरे धीरे करके नीचे आएगा और थोड़ा बहुत करके यहाँ पे आएगा, जहाँ इसका असर दिखाना रहेगा सही से वहाँ पर ये जा नहीं पाएगा, पूरा का पूरा यहीं पर ही डिजॉल्व हो जाएगा और फैलते फैलते यहीं पर पूरा क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन इसका यहीं पर शुरू हो जाएगा।
लेकिन अगर इसको पॉलीमर का कोटिंग कर दिया जाता है तो इसको खाते हैं और ये तुरंत चला आता है, पानी के द्वारा इसको पीते हैं तो ये चला आता है स्टमक में। स्टमक में आने के बाद धीरे 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 करके ये क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा और पॉलीमर का लेयर हटेगा और फिर क्या होगा, ये ड्रग अंदर से रिलीज होने लगेगा और अंदर जा करके ये अपना असर दिखाएगा। इसीलिए ये ड्रग बनाया जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। जैसे कि आप लोग अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में समझिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई हाथ हो गया, अब हाथ में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया, अब पानी को लेकर के हमको यहाँ पर आना है, मतलब थोड़ी दूर पे आना है, तो पूरा का पूरा पानी आप यहाँ तक नहीं लेके आ सकते हैं, हाथ में रहेगा तो ये गिर जाएगा, रास्ते में थोड़ा थोड़ा करके गिरते हुए आएगा और थोड़ा सा पानी बस बचेगा। और इसी चीज़ को अगर आप लोग थोड़े से बॉटल में करके रख के लेके आते हैं तो बॉटल में जितना पानी भरेंगे पूरा का पूरा पानी यहां तक आ जाएगा, ठीक। इसीलिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन किया गया जिससे पूरा दवा जहां जाना रहे, जहां इसका असर दिखाना रहे, उतना ही ड्रग यहां पर आकर के अपना पूरा का पूरा असर दिखाए, ठीक। आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसको अगर तोड़ के समझेंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, वो स्टार्ट करते हैं। सिंपल बात है, जो चीज़ आपको बताया हूँ स्टार्टिंग वाला अगर आप लोग देखे हैं तो आपको ये नोट्स एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा। माइक्रो इनकैप्सुलेशन को तीन पार्ट में मैंने तोड़ दिया है, जिसका मतलब स्मॉल ड्रग कहिए, टिनी पार्टिकल्स कहिए या फिर ड्रॉपलेट कहिए। इन का मतलब हो गया इन, ठीक। कैप्सुलेशन का मतलब हो गया पैक इन स्मॉल ड्रग। अब मान लीजिए थोड़ा सा दवा है, थोड़ा सा दवा है, अब इसको पैक करने के लिए हम बहुत बड़ा सा तो वह नहीं बनाएंगे कैप्सूल कि पॉलीमर की कोटिंग करना है। थोड़ा सा ड्रग है, हम इतना सारा मोटा सा इसका पॉलीमर की कोटिंग करके इतना बड़ा ड्रग बना दिया जाए, नहीं। इसके लिए छोटा सा ही कैप्सूल की आवश्यकता होता है, छोटे से ही कैप्सूल में इसको क्या किया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। आप डिफिनीशन इसका लिखेंगे तो सिंपली लिख सकते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस इन विच टिनी पार्टिकल्स या फिर कहिए ड्रॉपलेट आर सराउंडेड बाई कोटिंग टू गिव स्मॉल कैप्सूल। एक तरीके से इसको और लिख सकते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस इन विच एक्टिव सबस्टेंस जो होते हैं उसको कोट किया जाता है, कोटिंग कर दिया जाता है बाय एक्सट्रीमली स्मॉल कैप्सूल के द्वारा, ठीक। इसमें देखिए एक पॉइंट और लिख सकते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस जो होता है उसको आप लोग सभी मटेरियल से कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और इवन गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक। तो सभी का माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गया, एग्जाम में ज्यादा पूछ लेता है व्हाट इज माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज हेडिंग डालेंगे, एडवांटेज ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो देखिए ये तो आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि टारगेट ड्रग जहां तक आपको ले जाना है दवा को उसको आसान तरीके से ले जा सकते हैं, ठीक। इट इज रिलेबल टू डिलीवर ड्रग टू टारगेट साइट एंड इट शुड बी कंट्रोल रिलीज, ठीक। एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी होते हैं, कुड बी इंजेक्टेड। बस छोटे छोटे पॉइंट में एडवांटेज दे दिया है, आसान तरीके से इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्या होते हैं, इट इज ऑन एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये जो होता है एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, रिक्वायर स्किल प्रोसेस होते हैं, डिफिकल्ट टू ऑप्टेन कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म फील होता है। आसान तरीके से आप लोग इसको ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्म फील होते हैं, ठीक। पॉसिबल क्रॉस रिएक्शन बिटवीन कोर एंड सेल मटेरियल। और लास्ट जो होता है हाइग्रोस्कोपिक ड्रग के सेल्फ लाइफ जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक। तो सबकी अच्छाइयाँ और सबकी बुराइयाँ होती हैं, तो इनके भी एडवांटेज हैं और इनके भी डिसएडवांटेज हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया सिलेबस में देख लीजिए। डिफिनीशन हम लोगों ने देख लिया, एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेज देख लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्पीयर, माइक्रो कैप्सूल, माइक्रो पार्टिकल्स का। अब ये सब आप लोग मेन पॉइंट स्टार्टिंग का देख लिए होंगे, माइक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं, माइक्रोस्पीयर क्या होते हैं, वो सब बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए माइक्रो पार्टिकल्स जो होता है क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक साइज पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर हैविंग सॉलिड हो गया या फिर लिक्विड हो गए या फिर गैसेस हो सकते हैं, मे बी इनक्लोज बाय द फॉर्मिंग ए थिन कोटिंग ऑफ वॉल मटेरियल अराउंड सबस्टेंस के चारों तरफ, ठीक। दे आर आइदर होमोजेनियस आर हेट्रोजेनियस स्ट्रक्चर।
इनका जो स्ट्रक्चर होता है होमोजेनियस या फिर हेट्रोजेनियस स्ट्रक्चर होते हैं, और दे आर यूजली स्फेरिकल शेप, जो कि यूज किए जाते हैं स्फेरिकल शेप में इज प्रोफेनल एंड दिस डोज इज डिस्ट्रीब्यूट। यह डोज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है मैंने स्मॉल सेपरेट पार्टिकल्स में, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स में क्या होते हैं ये डोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये हमारा होता है माइक्रो पार्टिकल्स। राइट शार्ट नोट ऑन माइक्रो पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्फीयर, आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, राइट शार्ट नोट ऑन माइक्रोस्फीयर माइक्रो पार्टिकल्स, या फिर पूछ लेगा राइट शार्ट नोट ऑन माइक्रो पार्टिकल्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स। ठीक, तो ये माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्फीयर। अब माइक्रोस्फीयर क्या होता है, माइक्रोस्फीयर जो होता है एक मैट्रिक्स सिस्टम होता है, इसमें ड्रग जो होते हैं होमोजेनियसली क्या होते हैं, होमोजेनियसली डिस्पर्स होते हैं, डिजॉल्व आर होमोजेनियसली सस्पेंडेड होते हैं। दे आर फ्री फॉलोइंग पाउडर्स हैविंग ए पार्टिकल साइज रेंजिंग, कितने रेंज के इसके पार्टिकल साइज होते हैं, एक से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर तक। ठीक, एंड द एक्टिव कंपोनेंट कैन बी आइदर मॉलिकुलरली डिजॉल्व एज हेट्रोजेनियसली डिस्पर्स होते हैं इंटू द पॉलीमर मैट्रिक्स। ठीक, पॉलीमर की लेयर के द्वारा इसको क्या किया जाता है दोस्तों, कोटिंग किया जाता है। इनके रेंजिंग साइज जो होते हैं ये इतने होते हैं। ठीक, यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका माइक्रो कैप्सूल। अब देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, अब माइक्रो इनकैप्सुलेशन तो जान लिया कि उसके अंदर इन मतलब उसको, माइक्रो मतलब छोटे से ड्रग को कैप्सूल के अंदर पैक कर देना। अब माइक्रो कैप्सूल का मतलब क्या हो गया, मतलब माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, कैप्सूल का मतलब हो गया मतलब छोटा ड्रग का कैप्सूल, छोटे से जो ड्रग के कैप्सूल होते हैं वो माइक्रो कैप्सूल होते हैं। ठीक, माइक्रो कैप्सूल में कंसिस्ट होते हैं आप कोर मटेरियल एंड कोटिंग मटेरियल। जैसे मान लीजिए ये हमारा ड्रग है, ठीक, अब इसको हम लोग कहेंगे ये है कोर मटेरियल, यहां पे लिख दे रहा हूं। अब इसके ऊपर हम लोग कर दे रहे हैं पॉलीमर की कोटिंग, इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों, कोटिंग कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कोटिंग मटेरियल। ठीक, तो यही यहां पे बात किया जा रहा है, माइक्रो कैप्सूल में केवल होते हैं कोर मटेरियल और कोटिंग मटेरियल। आप लोग देखते होंगे कैप्सूल में, कैप्सूल के इस तरीके से खोलते हैं तो उसमें ड्रग को निकालेंगे, ज्यादातर पाउडर फॉर्म में रहता है। विटामिन ई का देखिए तो विटामिन ई में लिक्विड भरे रहते हैं। ठीक, तो वो सब ड्रग जो होते हैं बस कैप्सूल लगा रहता है और अंदर उसके ड्रग रहता है। तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है, इसमें कंसिस्ट होते हैं कोर मटेरियल एंड कोटिंग मटेरियल। दे कोटिंग मटेरियल फ्रॉम द सेल सराउंडेड द कोर फॉर्मिंग रिसीवर एंड दे आर हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए या फिर गैस हो गए, मे बी इनक्लियर्ड फॉर्मिंग ए थिन कोटिंग वॉल। ठीक, ये बातें यहाँ पे किया जा रहा है। अब लिक्विड फॉर्म में रहे हमारा ड्रग, गैस फॉर्म में रहे, सॉलिड फॉर्म में रहे, बस उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, उसके वाल के ऊपर उस पर कोटिंग कर दिया जाता है, कोटिंग वाल बना दिया जाता है हमारा, वही होता है माइक्रो कैप्सूल। आई होप आप लोग को इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या है अगला टॉपिक हमारा है मेथड। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चला जा रहा है मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। चलिए मेथड की बात कर लेते हैं, देखिए हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जैसे कि देख लीजिए इसको सिंपली देखा जाए तो फिजिकल हो गया, फिजियोकेमिकल हो गए और केमिकल्स हो गए। ठीक, फिजिकल में हमारे आते हैं एयर सस्पेंशन, पेन कोटिंग, स्प्रे ड्राइंग, सेंट्रीफ्यूजल एक्सक्लूजन, उसके बाद वाइब्रेशनल नोजल्स। ठीक, फिजियोकेमिकल्स में हमारे आते हैं क्या क्या आते हैं, पहला हमारा आता है कोएसेरेशन, आयन ट्रॉपिक हो गए, जिलेटिन हो गए। ठीक, उसके बाद केमिकल्स में सॉल्वेंट इवापरेशंस हो गए, पॉलीमराइजेशंस हो गए। ये सब के बारे में लगभग में आप लोग जान रहे हैं, बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं एक दो पॉइंट के बारे में अगर एग्जाम में आता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, दो नंबर में अगर पूछ लेता है तो बस आप लोग को यही चीज़ अच्छे तरीके से तैयार करके लिख लेना है।
लेकिन अगर इसको डिटेल में पूछ लेता है 7 नंबर में, राइट डिटेल नोट ऑन मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, तो दो दो लाइन इनके बारे में डिस्कस भी कर देना है। और भी बहुत सारे बुक्स में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े इसमें स्ट्रक्चर भी हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्टली में इसको इतना एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे एयर सस्पेंशन टेक्निक, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ डिस्पेंसिंग सॉलिड कोर मटेरियल्स इन एयर स्ट्रीम एंड स्प्रे कोटिंग के पार्टिकल्स होते हैं, एंड इसमें कंसिस्ट होता है मिलोटिक कंटेनर, एंड द कंटेनर इज कौनसल शेप में, ये जो कंटेनर होता है ये इन शेप में होते हैं, स्प्रे नेजल स्प्रे एंड एटमाइजर फ्लोरो आप कोटिंग सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, इसी तरीके से पैन कोटिंग में भी आप लोग 2-3 लाइन लिख देना है, बहुत ही आसान तरीके से लिखे गए हैं, इसको भी वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। स्प्रे ड्राइंग होता है, स्प्रे के द्वारा उसको ड्राई किया जाता है, जैसे कि द फ्लूइड टू बी ड्राइड इट एटमाइज इनटू द फाइन ड्रॉपलेट विच इज द थ्रोन रेडिली इनटू द ए मूविंग हॉट एयर, हॉट एयर की तरह उसको मूव करेंगे, स्प्रे के द्वारा उसको क्या किया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉपलेट इज इमीडिएटली इंक्रीज होता है एंड फाइन ड्रॉपलेट गेट ड्राई हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स के फॉर्म में, ये क्या हो जाते हैं, स्फेरिकल के पार्टिकल के फॉर्म में ये ड्राई हो जाते हैं एंड दे आर कॉमनली यूज इन द फूड इंडस्ट्री, ये ज़्यादातर कॉमनली यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में। ठीक, इसी तरीके से आप लोग इसमें 1-2 पॉइंट और भी लिख सकते हैं, 2-3 जो दिए गए हैं, बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, उसी तरीके से आप लोग इसके बारे में भी लिख सकते हैं। कंसर्वेशन मेथड के बारे में, ये क्या होता है, देखिए कंसर्वेशन मेथड इज ए फेज सेपरेशन ऑफ वन आर मेनी हाइड्रोक्लोराइड्स फॉर्म, ये क्या होता है, कंसर्वेशन माइक्रो इनकैप्सुलेशन का फेज जो होता है ये सेपरेशन का होता है, एक सेपरेशन का फेज होता है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं, में इनिशियली सॉल्यूशन इन डिपोजिशन ऑफ द न्यूली फॉर्म कोरिलेट फेज अराउंड द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इट मेथड कैरी पायलोट अप टू 99% एंड इट कैन बी यूज टू इनकैप्सुलेट फ्लेवर ऑयल फॉर इनकैप्सुलेशन ऑफ फिश ऑयल हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, विटामिन्स हो गए, प्रिजर्वेटर हो गए, प्रिजर्वेटिव हो गए, एंजाइम्स। ठीक, तो ये सब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लिक्विड टाइप के फॉर्म में होते हैं, जो कि जैसे हमारा फिश ऑयल्स हो गए, उसके बाद न्यूट्रिएंट हो गए, विटामिन ई के ड्रग हो गए, बहुत सारे ड्रग जो होते हैं लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ बहुत सारे मेथड आसान दिए गए हैं, इसके बारे में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से लिख लेना। इसी तरीके से एक हमारा होता है सॉल्वेंट इवेपोरेशन, इसमें क्या होता है, देखिए सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर द लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स। ठीक, ये जो होता है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स होते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्शन हो गए, विच इज प्रिपेयर्ड बाय द एगिएशन एजिटेशंस अप टू इमिसिबल लिक्विड एंड द सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड में इन्वॉल्व होते हैं डिजॉल्विंग माइक्रो कैप्सूल कोटिंग, जैसे कि हमारा पॉलीमर कोटिंग, इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट जो कि इमिसिबल होते हैं विद द लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स फेज में। ठीक, तो दोस्तों ये आसान तरीके से बस आप लोग को थोड़ा इसको क्या कर लेना है, थोड़ा बहुत अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूजिंग हुआ होगा तो बस आपको वीडियो को रोक करके बस पढ़ लेना है, समझ में आपको आ जाएगा। लास्ट हमारा इस चैप्टर का बचा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसका पहला एप्लीकेशन थोड़ा सा बड़ा लिख दिया हूँ, अगर आप लोग को ये समझ में ना आए तो दूसरे से लेकर के लिख लेना, लेकिन बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन कैन बी यूज कर सकते हैं फॉर्मुलेट वेरियस सस्टेंड कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म बाय द मॉडिफाइंग या फिर कहिए डिलेइंग रिलीज इन इनकैप्सूल्ड एक्टिव एजेंट या फिर कहिए कोर मटेरियल, जैसे थोड़े से मटेरियल हैं अब इसको हम लोग कैप्सूल में पैक कर देते हैं। ठीक, तो ये जो ड्रग है खाते ही तुरंत रिलीज नहीं हो जाएगा कि मुंह में इसको तुरंत अगर लिए ड्रग को और तुरंत हमारे मुंह में फैल जाएगा, नहीं, ये अगर पॉलीमर के लेयर से पैक रहेगा तो तुरंत रिलीज नहीं होगा। टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी जैसे थायमिन रिबुफेन हो गए, टू इन्हेंस द स्टेबिलिटी जैसे एग्जाम्पल हो गया विटामिन, टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी ऑफ मटेरियल एग्जाम्पल इसका हो गया पिपरामिंट ऑयल हो गए, मेथिल सैलिसिलेट हो गए। पांचवा हमारा एप्लीकेशन टू अवॉइड द इनकम्पैक्टिबिलिटीज एग्जाम्पल एस्प्रिन हो गए, क्लोरोफेनिकॉल हो गए, टू मेक अनप्लीजेंट टेस्ट ऑर्डर एग्जाम्पल हमारा एम्यूनोफिलिन कास्टर ऑयल हो गए।
तो बस ये आपके एप्लीकेशन 6 पॉइंट में दिए गए हैं। अगर पहला आपको बड़ा लगता है तो दूसरे से 5 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, कम से कम 4-5 पॉइंट आपको एग्जाम में जरूर लिख लेना है। तो चलिए, आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में माइक्रो इनकैप्सुलेशन हम लोगों ने आसान तरीके से पढ़ के कम्प्लीट कर लिया है। अगर जिसको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को केवल 1 लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, बस बता देना कि आप लोग को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। कमेंट बॉक्स में कुछ भी बता देना, लेकिन बता देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।